हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना पीडियाट्रिशियन। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे न्यूबॉर्न बेबी को जो वैक्सीनेशन होता है उसके बारे में। न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ के टाइम पे हम क्या क्या वैक्सीन लगाते हैं, उन वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और उन वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट से आप बच्चों को कैसे बचाएं, और उनके जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी काम की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, न्यूबॉर्न बेबी का जो वैक्सीनेशन है वो डिपेंड करता है उसके वेट पर। अगर कोई बेबी 2 kg से कम का है तो उसे हम 2 वैक्सीन लगाते हैं, यानी कि हम BCG और OPV लगाते हैं। और अगर कोई बेबी 2 kg से ऊपर है तो हम BCG OPV के साथ साथ हेपेटाइटिस बी भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि BCG और OPV सभी न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं, उनका वेट कुछ भी हो, और हेपेटाइटिस भी हम उनको देते हैं जो 2 kg से ज़्यादा के होते हैं। BCG वैक्सीनेशन वो प्रिवेंट करता है, बचाता है बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस से, और जो OPV है वो बचाता है बेबी को पोलियो से, और जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी से अपने बेबी को बचाता है। ये जो टीके हैं ये कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चे के बर्थ के बाद तुरंत बेबी को लग जाएं। अगर बच्चा सिक है तो हम इसे थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा स्टेबल हो और डिस्चार्ज होने के लायक हो उसे वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाना चाहिए। अब आइए एक एक करके हम तीनों वैक्सीन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, BCG वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन है जिसमें कि हम डेनिस 1331 जो स्ट्रेन है वो यूज़ करते हैं। BCG वैक्सीन की जो डोज होती है वो 0.05 ml अगर 1 month तक का बच्चा है तो, अगर कोई बच्चा 1 month से बड़ा है तो उसको 0.1 ml हम देते हैं। इसकी जो साइड होती है वो फिक्स है, और वो सभी बच्चों को लेफ्ट आर्म पे ऊपर की तरफ इंट्राडर्मल देते हैं। इंट्राडर्मल का मतलब कि जो स्किन है उसकी मोटाई के बीच में, स्किन को पार नहीं करना होता है, स्किन के बीच में देना होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, बच्चों को जिनको भी बचपन में BCG लगा हुआ है उनके यहाँ पर एक मार्क होता है, वो मार्क लाइफ टाइम का रहता है। उससे हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि इसको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। पहले के टाइम पर ये बड़े बड़े मार्क होते थे, लेकिन अब एक छोटा सा मार्क रह जाता है और जो कि लाइफ टाइम रहता है। BCG वैक्सीन को लगाने का जो शेड्यूल है वो नेशनल प्रोग्राम और IAP दो हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या जो रोटरी क्लब वगैरह हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन होता है वो नेशनल प्रोग्राम का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते हैं, और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो ज़्यादातर IAP यानी कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते हैं। दोनों के हिसाब से एक बर्थ पे लगना चाहिए। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से अगर बर्थ पे छूट गया है तो 1 साल तक का बच्चा कभी भी आपके पास आता है तो आप उसको BCG वैक्सीन लगाएंगे। और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहता है कि आप 5 साल तक BCG वैक्सीन कभी भी दे सकते हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो BCG वैक्सीन लगाने के बाद लोकल अल्सर हो सकता है, वैसे फीवर बहुत रेयर है, नहीं होता है इसको लगाने के बाद, पेन भी नहीं होता है, और लोकल लिफ नोड्स इनलार्ज हो सकते हैं यानी कि गांठें हो सकती हैं एक्सिला में इस जगह पर, या सर्वाइकल गांठें हो सकती हैं, या दूसरी तरफ भी यहां पर गांठें हो सकती हैं। अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन है, जैसे कि जो डिफरेंट टाइप के इम्यूनो डिफिशेंसी डिसऑर्डर होते हैं वो किसी को है, या किसी को HIV सिम्टोमेटिक है, अगर उसको BCG वैक्सीन लग गया तो उसको डिसमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोमेलाइटिस हो सकता है। BCG वैक्सीन को ज़्यादातर हम 2 से 8 डिग्री पर स्टोर करते हैं, और एक वायल जो इसकी आती है वो करीब 1 ml की होती है, और उसमें 10 doses होती हैं। इस वायल को अगर पाउडर फॉर्म में होता है उसमें हम नॉर्मल सलाइन मिला के इसको रिकंस्टिट्यूट करते हैं, और इसे रिकंस्टिट्यूट करने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही लगाना होता है। हालांकि इसमें 10 से 20 डोज होती हैं, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस के पास जाते हैं, तो वो एक वैक्सीन को रिकंस्टिट्यूट करता है और उसे जनरली डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली BCG वैक्सीनेशन प्राइवेट प्रैक्टिशनर में कम होता है, तो वो उस वायल को दोबारा यूज़ नहीं करता, जो कि अच्छा है आपके बच्चे के लिए। गवर्नमेंट सेटअप में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे होते हैं तो एक बार रिकंस्टिट्यूट करने के बाद वो 10 लोगों को दे सकते हैं। ये BCG वैक्सीन मेनली प्रिवेंट करती है ट्यूबरकुलोसिस से।
तो जो बॉडी की और जगह की ट्यूबरकुलोसिस है वहाँ से 80% तक का प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो पल्मोनरी टीबी है वो उसमें 59% तक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो पल्मोनरी टीबी है यानी कि लंग की जो टीबी है उसमें ये 59% तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसलिए ये गारंटी नहीं है कि अगर BCG वैक्सीनेशन आपके बच्चों को लगा है तो उसको टीबी होगा ही नहीं और आपको कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है। अगर BCG वैक्सीनेशन लगा भी है तो भी अगर आपके आसपास आपके रिलेटिव में कोई अगर ट्यूबरकुलोसिस का या टीबी का पेशेंट है तो आपको उससे अपने बच्चों को बचाना है। BCG वैक्सीन लगाने के बाद अटेंडेंट्स या जो पेरेंट्स हैं वो अक्सर हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि 1 से 2 महीने बाद बच्चे के यहाँ पे एक मवाद बना हुआ है, एक अल्सर बना हुआ है या यहाँ पर गांठ बनी हुई है, तो ये सब नॉर्मल है। बहुत ध्यान से सुने, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं आगे, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप निश्चिंत रहेंगे, आप बेफिक्र रहेंगे। आपके बच्चे को जब BCG वैक्सीन लगता है तो उस टाइम छोटी सी एक रेड कलर की यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, इसे व्हील बोलते हैं, छोटा सा एक दाना दिखेगा और वो हल्का सा स्किन से ऊपर उठा हुआ रेड कलर का हो सकता है, इसे व्हील बोलते हैं। 2 से 3 हफ्ते में ये जो साइट है वैक्सीन जहाँ पर लगा हुआ है ये थोड़ा सा एक दाना टाइप हो जाता है जिसे हम पेप्यूल बोलते हैं, जो कि छोटा सा रहता है, और अगले जे 5 से 6 जो वीक है उसमें ये जो दाना होता है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसका साइज 4 से 8 mm तक भी हो सकता है। 12 वीक तक आते आते धीरे धीरे इसमें पहले मवाद बनता है, फिर वो फूटता है, फिर अल्सर बन जाता है और वो अल्सर धीरे धीरे हील करता है और 12 हफ्ते तक आते आते ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है और यहाँ पर एक स्कार बन जाता है, यानी कि एक घाव का जो ठीक होने का निशान बन जाता है और वो लाइफ टाइम तक रहता है। BCG वैक्सीन के वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्रांड है वो है ट्यूबरवैक। ट्यूबरवैक का जो एक वायल है वो 100 रुपीज़ के आसपास आता है, जो कि वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, और इसकी जो एक वायल होती है उसमें 22 10 डोज होती हैं। दोस्तों, ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन का मतलब इसमें जो वायरस होते हैं वो लाइव होते हैं, हालांकि इनकी जो इन्फेक्टिविटी है, इनकी जो रोग पैदा करने की क्षमता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है केमिकल के ज़रिए, और ये अब हमारी बॉडी में जाके सिर्फ ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इनके जो एंटीजन है वो उससे हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है, ये हमारी बॉडी में जाके कोई डिजीज़ पैदा नहीं कर सकते। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो मेनली सेबिन स्ट्रेन से बनाया जाता है और इसकी जो डोज है वो 2 ड्रॉप देना होता है, आप सबको जैसे पता है। जो नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से ओरल पोलियो वैक्सीन की जो 0 डोज है वो आपको बर्थ पे देनी है, बर्थ के 15 दिन के अंदर देनी है। अगर 15 दिन किसी वजह से नहीं दे पाए हैं तो फिर आप सीधे डोज 1 दीजिए। इसके बाद जो फर्स्ट डोज है वो होगी 1.5 महीने पे यानी कि 6 वीक पे, सेकेंड डोज होगी वो 2.5 महीने पे यानी कि 10 वीक पे, और थर्ड डोज जो होगी वो 3.5 महीने पे यानी कि 14 वीक पे। तो इस तरह से ये 3 डोज होंगी। उसके बाद चौथी डोज जो होगी वो होगी 15 से 18 महीने पे और फिर 5 साल पे। लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर फॉलो करते हैं और जो प्राइवेट सेटअप फॉलो करते हैं वो IAP फॉलो करते हैं, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स फॉलो करते हैं। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहता है कि आपको जो 0 डोज देनी है वो आपको बर्थ पे देनी है, उसके बाद जो 6, 10 और 14 वीक पे देना है वो आपको OPV नहीं देना है बल्कि आपको IPV यानी कि जो इंजेक्शन वाली पोलियो वैक्सीन आती है वो देनी है। फिर आपको 6 मंथ पे, 9 मंथ पे और 5 साल पे ये आपको देना है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो IAP का अलग है शेड्यूल और नेशनल प्रोग्राम का अलग है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर नेशनल प्रोग्राम फॉलो करते हैं। दोनों प्रोग्राम सही हैं, दोनों प्रोग्राम अपनी जगह पे रिजनेबल हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वैसे तो सब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई फीवर, कोई पेन, इस तरह की कोई दिक्कत इससे नहीं होती है। हालांकि एक जो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है वैक्सीन एसोसिएटेड पैराटिक पोलियो। ये वैक्सीन एसोसिएटेड पैराटिक पोलियो ये टाइप 2 स्ट्रेन के साथ कॉमन था और टाइप 2 स्ट्रेन अब वैक्सीन से हटा दिया गया है। अब जो वैक्सीन आती है वो मेनली टाइप 1 एंड टाइप 3 स्ट्रेन को यूज़ करती हैं, तो इसलिए जो ये वैप है ये अब ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज है इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये बेबी की जो माउथ है, इंटेस्टाइन है, उन सब पे वायरस को चिपका देती है और ये वायरस वहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो पोलियो वायरस होता है वो मेनली इसी रूट से फैलता है, मुंह के रास्ते से, हाथों के रास्ते से ही वो फैलता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर इम्यूनिटी हो गई तो पोलियो का बॉडी में पहुँचना मुश्किल हो जाएगा।
पोलियो वैक्सीन किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, अगर उसको डायरिया है तब भी दे सकते हैं, फीवर है तब भी दे सकते हैं, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है या दूध पिलाना है या दूध पी चुका है दूध पीने के बाद भी करा सकते हैं, ऐसा कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हालांकि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जैसे कि किसी को अगर HIV है, सिम्टोमेटिक HIV है, या अगर किसी को कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो फिर ये वैक्सीन नहीं लेना है। तो जो जो दो सबसे कॉमन ब्रांड यूज़ किए जाते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन के, वो हैं एक OPV नाम से आता है और दूसरा एक आता है बायो पोलियो नाम से। दोनों की कॉस्ट वो 250 के आसपास है अराउंड। दोनों ही अच्छे ब्रांड हैं और ये दोनों मल्टी डोज वायल में आते हैं। तो आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन हमें बचाती है हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से। अगर किसी बच्चे को जन्म से में या उसके बाद अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हेपेटाइटिस हो सकता है, आगे चल के लेटर लाइफ में उसको लीवर सिरोसिस हो सकती है, और क्रोनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और इसके अलावा उसको लीवर का कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जो डोज होती है वो 0.5 ml IM देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जनरली हम ये थाई में देते हैं, और एडल्ट में ये हम यहाँ पे डेल्टॉइड जो मसल्स होती है वो जहाँ पर जुड़ रही होती है आगे वहाँ पर देते हैं, यानी कि डेल्टॉइड के इंसर्शन पे देते हैं। बच्चों में इसकी डोज 0.5 ml होती है, और अगर एडल्ट को देते हैं तो इसकी डोज 1 ml होती है। अब बात करते हैं शेड्यूल की। यहाँ भी जो शेड्यूल है वो दो अलग अलग शेड्यूल हैं, इंडियन अकेडमी ऑफ प्रैक्टिस का और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। जो नेशनल प्रोग्राम है यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो प्रोग्राम फॉलो होता है, उसके हिसाब से 0 डोज देनी है बर्थ पे, उसके बाद फिर 6, 10 और 14 वीक पे बच्चों को हेपेटाइटिस देना है, इसके बाद फिर आगे बूस्टर्स लगते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन IAP में थोड़ा सा डिफरेंस है। IAP के हिसाब से एक बर्थ पे देना है 0 डोज, उसके बाद 6 वीक पे, फिर 10 पे नहीं देना है और 14 पे देना है। अगर किसी बच्चे को बर्थ पे नहीं दिया गया है तो फिर उसे 6, 10 और 14 पे देना है। उसके बाद बूस्टर्स इसमें भी आगे देते रहने हैं ताकि वो इम्यूनिटी मेंटेन रहे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर आप लगवा लेते हैं तो उसके बाद आपको 90% तक इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। आपको 90% तक हेपेटाइटिस बी होने के चांस नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाने के बाद आपको जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन लगाने के, जैसे कि फीवर, लोकल पेन, सोरनेस, ये सब नहीं होता है जनरली, लेकिन फीवर हो भी सकता है कुछ कुछ केस में। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स हैं वो उनके जो फेमस ब्रांड्स हैं उनमें से एक बी वैक है। बी वैक सीरम इंस्टीट्यूट का है, जिसकी जो कॉस्ट होती है वो 60 रुपीज़ के आसपास पर वैल होती है। और जो दूसरा है शेन वैक बी, जो कि सनोफी का है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 100 to 160 के बीच में पड़ती है। ये दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं और आप कोई भी ब्रांड अपने बच्चों को लगवा सकते हैं। OPV और BCG की तरह ये मल्टी डोज में नहीं आते हैं, बल्कि ये सिंगल डोज में ही आते हैं। तो दोस्तों ये वैक्सीन भी आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप एडल्ट हैं आपको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो भी आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवा लें।